नमस्कार किसान साथियों, मंडी भाव इंडिया न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्याज में आगे क्या भावों में देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में प्याज में अच्छी काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है और किसानों को इसका लाभ भी हो रहा है। और आप ये भी जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्याज में हमें किस महीने में तेज़ी देखने को मिलेगी, और आपको ये भी बताया था कि अगस्त और सितंबर में हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो उसी तरह से आपको डाटा के आधार पर मैंने कुछ विश्लेषण करके बताया था कि हमें प्याज में अगस्त और सितंबर में तेज़ी देखने को किस कारण से मिलेगी। अब कुछ फैसला ले सकती है सरकार नेफेड के जरिए कि हमें प्याज को भाव को नियंत्रण करने के लिए कुछ कदम उठा सकती है। तो अब आगे हमें प्याज के भाव में क्या तेज़ी देखने को मिल सकती है और क्या मंदी देखने को मिल सकती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बने रहे वीडियो के साथ। तो प्याज की बढ़ती कीमतों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने कुछ फैसला किया है, तो हम बात कर लेते हैं। इस समय पूरे देश में टमाटर की कीमतों में बहुत बड़ा उछाल आया हुआ है, तो सरकार ने केवल टमाटर की कीमतों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है, बल्कि अब सरकार प्याज महंगा होने से बचाने के लिए एक बड़ा निर्णय लेने जा रही है। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार द्वारा प्याज का स्टॉक रिलॉन्च किया जा सकता है। प्याज के विक्रेताओं के अनुसार कुछ बाजारों में सप्लाई में कमी देखने को मिली है, इसी वजह से कीमतों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। ऐसी परिस्थिति में प्याज की आपूर्ति कम होने की से कीमतों में उछाल देखा जा सकता है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार के पास लगभग 3 लाख टन प्याज स्टॉक उपलब्ध है। सरकार द्वारा प्याज के कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से इस स्टॉक को रिलीज किए जाने पर विचार किया जा रहा है। टमाटर और बाकी हरी सब्जियों की कीमतों में वृद्धि के चलते आम आदमी पर इसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। गुरुवार को यूनियन कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह जी द्वारा नेफेड और एनसीसीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। इस मीटिंग का उद्देश्य प्याज के स्टॉक को उन बाजारों तक पहुंचाना है जहां मूल्यों में वृद्धि हो रही है। आपको बता दें कि सरकार प्रयास कर रही है कि प्याज के स्टॉक को उन बाजारों तक पहुंचाया जाए जहां कीमतें बाकी देश के मुकाबले अधिक है। बारिश की वजह से भी हमें प्याज में तेजी देखने को मिली है। महाराष्ट्र के एक प्याज विक्रेता ने कहा कि ज़्यादा बारिश के चलते किसानों द्वारा स्टोर किए गए प्याज डैमेज हुए हैं, इसके चलते सप्लाई पर असर पड़ा है। तो किसान साथियों, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि सरकार प्याज के स्टॉक को रिलीज कर सकती है, तो आप हमको आगे थोड़ी थोड़ी मात्रा में करके प्याज को निकालते रहना है। और हो सकता है यदि प्याज अभी तो बॉर्डर चालू है बांग्लादेश और अन्य देशों में, यदि सरकार बांग्लादेश निर्यात भी बंद कर देती है तो हमें प्याज में वापस से मंदी देखने को मिल सकती है। इसलिए ये प्रॉफिट आपको जितना भी मिलता है धीरे धीरे आप प्याज को निकालते रहे। वीडियो को करते समाप्त। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।